साले का हत्यारा दोस्त समेत गिरफ्तार। 6 घंटे में पुलिस ने अपराधियों पर कसी नकेल। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और देसी कट्टा बरामद। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। मुंगेर में अवैध संबंधों के चक्कर में न सिर्फ रिश्तों का खून हुआ बल्कि जीजा ने साले की हत्या कर दी है। आरोपी अपने इस मंसूबे में तो कामयाब हो गया लेकिन पुलिस की चंगुल से बच नहीं सका और कोतवाली थाना के गार्डन बाजार के निवासी गोलू राम की हत्या के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र में गार्डन बाजार इलाके में गोलू राम नामक एक व्यक्ति की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई और ये पता चला कि अपराधी जो है वो बाइक से फरार हुए हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए सघन चेकिंग लगाई गई पूरे शहरी क्षेत्रों में और एएसपी सदर के नेतृत्व में, जिसमें थानाध्यक्ष कासिम बाजार, इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह और जिला आसूचना इकाई के लोग शामिल थे, भागते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में मुंगेर पुलिस ने सिर्फ 6 घंटे का ही वक्त लगाया और सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। इतना ही नहीं, आरोपियों को गिरफ्त में लेने के साथ साथ पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि हथियारों की गिरफ्तारी के लिए सदर एएसपी हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था और टीम ने बखूबी अपने काम को अंजाम तक पहुँचा दिया। इन सातिर आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था क्योंकि आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां भी बरसाई, लेकिन दोनों आरोपी रुपेश कुमार और रघुवीर कुमार कानून के लंबे हाथ से बच नहीं सके। अपराधी भागने के क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की। करीब 16 राउंड गोलियां उनकी तरफ से चली। जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से 6 राउंड गोलियां चली और मौका वारदात से दोनों को गिरफ्तार करते हुए वो बाइक जिसको यूज किया गया था हत्या करने के लिए, साथ में उनके पास से 7.65 mm की एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और एक देसी पिस्तौल भी मिली और वहां से मौका वारदात पे खोखा बरामद किया गया तथा 7.65 mm की कुछ गोलियां और 315 बोर की भी गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त रुपेश कुमार और रघुवीर कुमार, इन्होंने इस घटना को पर्सनल रीजन की वजह से किया था। ये जो मृतक इसका साला था और ये 15 दिन पहले ही जेल से निकला था। पूर्व में भी करीब 1 दर्जन केस इसके ऊपर बेगूसराय में अंकित किए गए हैं और 15 दिन पहले ही ये छूटा था। पत्नी के भाग जाने से ये दुखी था और इसी का बदला उसने अपने साले से लिया। फिलहाल पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने जांच में बताया कि आरोपी रुपेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है और हत्या, लूट और डकैती जैसे कई मामलों में वो शामिल रहा है। पूरा मामला पति पत्नी के बीच अवैध संबंधों का बताया जा रहा है। दरअसल आरोपी रुपेश कुमार पिछले 2 साल से जेल में बंद था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने ससुराल चली गई थी। 15 दिन पहले रुपेश जेल से आया तो पत्नी को ढूंढते हुए अपने ससुराल गया और इस दौरान साले के साथ कहासुनी में उसने अपने ही साले की हत्या कर दी। उसने इस दौरान अपनी साली को भी जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर से अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।